और उस वक्त ये एक हीलियम नियॉन लेज़र, इस तरीके से देखेंगे लेज़र लाइट ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे कंटिन्यू, स्पेक्ट्रम है इसका ये। तो ये है एक हमारा हीलियम नियॉन लेज़र, ये है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, काफ़ी पुराना है ये। आइए देखते हैं इसके अंदर कैसा रहता है ये। अब तक तो हमने बहुत पढ़ा होगा इसको, अब इसको देखते हैं कि अंदर वास्तविकता में दिखता कैसे ये। तो ये है हमारा हीलियम नियॉन लेज़र, तो अब इसको चालू करके देखते हैं। ये इसमें हीलियम नियॉन ट्यूब है, इसमें हीलियम नियॉन गैस भरी है और ये एक ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इसको चालू करके देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने इसे चालू कर दिया है तो हीलियम नियॉन ट्यूब में देखेंगे तो दोनों तरफ लगभग लेज़र के पॉइंट दिखेंगे। यहाँ पे भी देखिए दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट है, इधर से मेन अपना लेज़र लाइट इमिट हो रही है। ये देखेंगे सेंसर में ख़राब तो करता है, तो एक बार चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा लेज़र लाइट है, ज़्यादा रेड नहीं करेंगे तो हमारा सेंसर ख़राब कर सकता है। ये ऐसे भी लेज़र लाइट को डायरेक्ट आंखों से तो देखा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से हीलियम नियॉन ट्यूब, इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग मिरर हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर से कोहेरेंट लेज़र लाइट इमेज प्रोड्यूस किया जाता है इसमें। तो फाइनली हम जो आउटपुट देखते हैं वो कोहेरेंट लेज़र लाइट है। यहाँ काफ़ी अच्छे ग्लो कर रहा है एंडिंग पे से। स्टार्टिंग लाइट तो सबने देखा, ये इसका एंड पॉइंट से भी पतला से एकदम बहुत ही कम डायमीटर का एक लेज़र पॉइंट निकल रहा है। सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्यूब ट्रांसफार्मर बस, एक छोटा सा सर्किट है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसका पावर सप्लाई बस इतना सा है। ये हमारा लेज़र आउटपुट इस तरीके से ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके हिसाब से देखें तो ये पता चलेगा ये इसका आउटपुट। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।